जैसे कि मेरी आदत रही है दोस्तों, मैं लोकल प्लांट्स को डिस्कवर करता रहता हूँ। उसी में से एक ये प्लांट है केम ट्री दोस्तों, कदम्ब, जो ओरिजिनल कदम माना जाता है। आप सोसाइटी वगैरह में देखते हैं बड़े बड़े बॉल्स वाला बदम, वो वेरीगेटेड है मेरे ख्याल से। ये है ओरिजिनल कदम, जो जंगली है, वाइल्ड कदम कह सकते हैं ये। इसके छोटे छोटे फ्रूट आते हैं, तो इसका शेप मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। यहाँ अनवांटेड चीजें हटाने के बाद भी एक बार भी हमने स्टाइल तो किया था, पर इतना ये सूटेबल नहीं है। ये प्लांट फाइबरस रूट में प्रोड्यूस कर रहा है। नीचे कुछ रूट है, उसको निकाल देता हूँ, जमीन पे रखा हुआ तो आ गया। और सोच रहा हूँ मैं उसको रिड्यूस कर दूँ एकदम से, तो एक छोटा सा एक टाइनी सा प्लांट मिलेगा, और जिसका जो प्राक है वो भी बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रक्चरल है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से ही काट दिया जाए। नीचे भी प्रोपोर्शन में तो है ही, तो अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ तक डाइबैक हुआ है, इसके लीफ भी बड़े बड़े हैं। फिर भी हम यहाँ से कुछ करके ब्रांचों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उसका पूरा एक फॉरेस्ट बना के रखा था, उसमें से सब चले गए और अब यही बचा है। अब इसके बोनसाई बनाना ही छोड़ रहा हूँ मेरे ख्याल से मैं तो, क्योंकि ये इतना सा रिएक्शन नहीं देता है, बट ये प्लांट अच्छा चल रहा है। इसकी ब्राग बहुत ही मोटी होती है, देखिए गद्देदार होती है थोड़ी, उसका टेक्सचर भी अच्छा निकल के आता है, हीलिंग भी बड़ा अच्छे तरीके से हो जाता है। तो देखते हैं कैसे निकल के आएगा ये प्लांट, एक छोटा सा प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह कैसे प्लांट को रिडक्शन करने से होता क्या है कि ड्रामेटिकली ये जो टेपर है वो रिडक्शन सॉरी ज्यादा हो जाता है, यानी टेपर क्रिएट हो जाता है। देखिए टेपर कितना मोटा है, और यहाँ से ये लीडर बन जाएगा। मेरी ब्लैक वाली सीजर पता नहीं कहाँ गई है, उसके बिना काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है मेरे लिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा वायर लपेट दूंगा, इसको अब ये लंबी कह जाएगी, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। अब इन्हीं में से कुछ करने की कोशिश करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं वायरिंग कर लेता हूँ, नया वायर नहीं लेने वाला, यहीं वायर पड़ा था किसी दूसरे प्लांट्स में से मैंने निकाला होगा, वो ही रीयूज कर रहा हूँ मैं। बस हमें तो ये जो टॉप वाली ब्रांच है उसको थोड़ा ऊपर की ओर घुमा देना है। अब यहाँ जो कुछ भी निकल के आएगा उसी के सहारे ही ये प्लांट बनेगा दोस्तों। तो प्लांट में जो भी अनवांटेड ब्रांचें रहती है वो तो आपको हटानी ही हटानी है, तभी आप लोग एक अच्छा सा स्टाइल वाला बोनसाई बना सकते हैं। तो इस तरह का ये प्लांट निकल के आया है, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होगा तभी इसमें कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप भी किसी प्लांट को लेके कंफ्यूज है, मैं बहुत टाइम से कंफ्यूज था इस प्लांट को लेके, तो मैंने उसको रिडक्शन कर दिया है। एल ईयरिंग से यहाँ से कुछ दूसरा बना सकता था, पर ऐसा नहीं किया क्योंकि ये तो मेरे यहाँ लोकल अवेलेबल है। रेयर प्लांट को ही ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। अब ये इसे ही रहेगा, और कुछ यहाँ मल्टीप्लाई हो इसलिए मैं इसको पिंच भी कर देता हूँ। मल्टीप्लाई यानी यहाँ से ब्रांचों को बढ़ाना दोस्तों। तो इसे ही बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट तो करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।